हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में, जहां मैं सुनाऊंगा एक कहानी जिससे आप सीख जाएंगे वेब 3 के बारे में, जिसे वेब 3.0 भी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, जब इंटरनेट हुआ करता था, इंटरनेट तो अभी भी है, लेकिन इंटरनेट का जब जन्म हुआ था तो एक ऐसी जगह थी जहां लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, कनेक्ट करते थे दुनिया में किसी भी कोने में बैठे बैठे। पर एक समस्या थी, इंटरनेट को कंट्रोल किया जाता था या तो किसी बड़ी कंपनी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें लोगों का डेटा पे कंट्रोल ही नहीं होता था। उनकी ऑनलाइन आइडेंटिटी का पूरा सारोकार जो था वो गवर्नमेंट के हाथ में था। फिर अचानक एक दिन एक टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया जिसका नाम था वेब 3, जिसने सुपर हीरो की तरह अपने शक्तिमान की स्टाइल में वेब 3 को कुछ ऐसा बना दिया कि डेटा हो गया डिसेंट्रलाइज, मतलब कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी के पास कंट्रोल नहीं था। फिर समझी बात कि इसको नेटवर्क कंप्यूटर से जोड़ दिया जाए और सब आपस में काम करे, ताकि सिक्योर और ट्रांसपेरेंसी का फीचर भी दे दिया जाए। वेब 3 एक ऐसा तरीका था जिसमें कि लोग अपने डेटा पे कंट्रोल कर सकते थे, अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी पे भी उनका पूरा साम्राज्य चलता था। ये एक ऐसा तरीका था जिसमें कि सिक्योर पेमेंट, एक्सेस एप्लीकेशंस विद डिसेंट्रलाइज्ड वे और पार्टिसिपेट करना ऑनलाइन कम्युनिटी में आसान हो गया था, बिना किसी सर्वेलेंस के, बिना किसी सेंसरशिप के। ये तो एक ऐसा तोहफा था जो इंटरनेट को मिल गया और इंटरनेट को बदल दिया उसने एक नया स्वरूप, जिसमें लोगों को डर था कि हमारे डेटा के साथ क्या हो रहा था। वो डेटा हो गया था अब डिसेंट्रलाइज्ड वेब। ये थी कहानी जिसमें मुझे आपको बताना था वेब 3 कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं वेब 3 का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे आ गया वेब 3, वेब 3 का जन्म कैसे हुआ। पहली जनरेशन थी वेब 0.0, मतलब वेब 1.0, जो कि 1990 के आसपास आई थी, मतलब 1989 में, जिसमें बर्नर ली थे जिन्होंने की कोशिश की थी हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लाने की, और उन्होंने डिजिटल टेक्स्ट प्रपोज किया था इसी वर्ष में करीब करीब कि यार मैं HTML बनाता हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी मदद से आप ब्राउज कर पाओगे, कंटेंट को शो कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि वेब सर्वर में ट्रांसफर करता था फाइल को विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। ये बड़ा ही आसान तरीका था सिमेंटिक वेब का, जिसमें कि हम लिंक करते थे डेटा को ओवर द वेब पेजेस विद द हेल्प ऑफ सम कंस्ट्रेंट ऑफ योर हार्डवेयर। लोगों को बड़ा पसंद आया। फिर 1993 के आसपास पहला पॉपुलर ब्राउजर आ गया, नेटस्केप नेविगेटर। फिर आया इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर आया एप्पल सफारी और अपना याहू भी जब बड़ा ही मार्केट में फेमस हो गया था। फिर गूगल ने आके सबकी बैंड बजा दी और सबसे फेमस हो गया अपना गूगल सर्च इंजन। अब वेब 2.0 को लाने के लिए वेब 1.0 में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, क्योंकि तो कंटेंट जो था उसको सिमेंटिक वेब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा परिवर्तित करने के लिए, ताकि अपग्रेडेड करें वेब को और ऐसा सपना पूरा कर दें जिसमें कि हम लोगों से इंटरेक्ट कर पाएं डायनेमिकली, मतलब डायनेमिक कॉन्टेंट को समझा जाए, स्टेटिक इन्फॉर्मेशन पहले थी, डायनेमिज्म आ पाए, इंटरेक्ट कर पाए वेब कैम वेब सर्विसेज के थ्रू। फेसबुक जैसा एनवायरमेंट आ गया जो सोशल नेटवर्क बन गया, और उसने वेब 2.0 को जन्म दे दिया। फिर आया हमारा वेब 3.0, जिसके समय क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ने जन्म ले ही लिया है। और वेब 2.0 से वेब 3.0 इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस या डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि वेब 3.0 प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो अगर देखा जाए तो 1966 से लेकर आज हम 2023 में बैठे हैं, तरह तरह के परिवर्तन आए। शुरुआत वेब 1.0 से हुई, फिर वेब 2.0 आया, फिर वेब 3.0 आ गया। अब समझते हैं वेब 3.0 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लोग उसकी इतनी बात क्यों कर रहे हैं, क्या है डिसेंट्रलाइज्ड वेब आर्किटेक्चर, क्या आपको फैसिलिटेट करता है। पहले वेब 2.0 के जो जाइंट्स हैं हमारे, अमेज़न, गूगल, फेसबुक, यहां तक कि मेटा भी कंट्रोल करता था, सेंट्रलाइज करता था पेटाबाइट्स को, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को मोनेटाइज करता था, इवन एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। पर वेब 3.0 एक तरह का पीयर टू पीयर नेटवर्क है, जिसकी मदद से आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं और इंडिविजुअल खुद इंसान अपना डेटा देख सकता है, एक्सेस कर सकता है और उसके ऊपर प्रॉफिट ले सकता है। तो ऐसी अभिन्न अपॉर्चुनिटी है वेब 3.0 में, जो कि आपको मिलेगी, ताकि आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को खुद देख पाओगे, खुद अट्रैक्ट कर पाओगे कस्टमर्स को, इवन आप अपनी प्राइवेसी को भी बहुत सिक्योर रखोगे, प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको मिलेंगे।
तो वेब 3.0 इसलिए महत्वपूर्ण है, और इवन मेटावर्स में भी, अगर हमने जो लास्ट एपिसोड में बात की थी, मेटावर्स में भी वेब 3.0 का उपयोग किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसीज में और आपका ब्लॉकचेन में। इन सब टर्म के बारे में डिटेल में डिस्कस होगा। अब बात करते हैं वेब 3.0 वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। देखा जाए तो वेब 1.0 2.0 HTML बेस्ड था, जो कि एक लेआउट डिफाइन करता था और वेब पेजेस डिलीवर करता था, जिसकी मदद से आप बेसिकली क्या करते थे, डेटा को ट्रांसफर करते थे या बेसिकली किसी से कम्युनिकेट करते थे। तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट 2.0 पे डिपेंड करती थी, इसमें सेंट्रलाइज डेटाबेस होता था जो डिलीवर करता था इन्फॉर्मेशन को, वेब पे आपको दिखा देता था। लेकिन वेब 3.0 बेसिकली अलग है, वहां पे सब कुछ डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन फॉर्मेट में है, जिसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अगर देखा जाए तो आपके पास में मुख्य डिफरेंस ये मिलता है कि वेब 3.0 जो है AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन को ज्यादा रिलेवेंसी देता है, जबकि वेब 2.0 में ऐसा नहीं था। तो वेब 3.0 प्योरली सिमेंटिक वेब है और AI बेस्ड है, इंटेलिजेंट है, रिस्पॉन्सिव है, डेटा को ऑर्गेनाइज वे में, सिक्योर वे में रखता है। तो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल होता है वेब 3.0 में। तो वेब 3.0 जब भी कोई फंडामेंटल देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, इस तरह के पेमेंट गेटवे की हम बात करते हैं। अगर देखा जाए तो वेब 2.0 और वेब 3.0 को डिफरेंशिएट करते हैं। वेब 2.0 सेंट्रलाइज है, इसका मतलब है एप्लीकेशन डिलीवरी, क्लाउड सर्विसेज, प्लेटफॉर्म सारे गवर्न होते हैं, ऑपरेट होते हैं किसी अथॉरिटी के थ्रू, मतलब सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है। वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज है, एज कंप्यूटिंग है, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस नॉर्म्स आ जाते हैं वेब 3.0 के अंदर। करेंसी की बात करें तो फ्लैट करेंसी यूज होती है वेब 2.0 में, पेमेंट ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट की जो इशू करेंसी, उसकी मदद से हम करते हैं, जैसे रुपी हो गया, जिस भी कंट्री की बात करें उनकी करेंसी जो होती है। वेब 3.0 में हम क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ट्रांजेक्शन को फंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनक्रिप्टेड डिजिटल करेंसीज, जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम। कुकीज की बात करें तो 2.0 में कुकीज होती हैं, जो कि यूजर को ट्रैक करती है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। पर वेब 3.0 में प्योरली NFT के फॉर्म में होता है, जिसमें यूजर को यूनिक टोकन दिया जाता है और असाइन की जाती है उसकी वैल्यू, जो भी उसने कंफर्म किया है, और इन द फॉर्म ऑफ पार्क्स, ताकि उसको पता रहे कि भैया नॉन फंजिबल टोकन क्या है, फंजिबल टोकन क्या है, इस्तेमाल होते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें, CSS का इस्तेमाल, AJAX का इस्तेमाल वेब 2.0 में होता है, प्योरली AI बेस्ड जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, ब्लॉकचेन बेस्ड, मेटावर्स बेस्ड वेब 3.0 में। डेटाबेस की बात की जाए, रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं वेब 2.0 में, लेकिन वेब 3.0 प्योरली अपने पास इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी जैसे ब्लॉकचेन आ गई है। सोशल नेटवर्क की बात करें, सोशल नेटवर्क हम यूज करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो कि वेब 2.0 है, पर मेटावर्स प्योरली वेब 3.0 है। और भी फीचर्स हैं जिनके बारे में डिटेल में बात की जाएगी नेक्स्ट एपिसोड में। आई गेस आज का एपिसोड सिर्फ आपको बताने के लिए था कि वेब 3.0 होता क्या है और उसका इवोल्यूशन क्या हुआ है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरी को सुनते रहें। कहाँ मिलेगा आपको ये? मिल जाएगा आपको JioSaavn, गाना, स्पॉटिफाई और जहाँ सुनते हैं वहां पर, और इंस्टाग्राम @podcasteramit पर अपने मैसेज देना ना भूलें। थैंक यू।